सपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार खराब होती कानून व्यवस्था को लेकर सोमवार को राज्यपाल को ज्ञापन भिजवाने जा रहे सपाइयों की कई जगह पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई। आपको बता दें कि सपा के विद्याता स्थित पार्टी कार्यालय से लेकर कलेक्ट्रेट के बीच पार्टी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कई स्थान पर रोकने की कोशिश की, लेकिन सपाई किसी तरह कलेक्ट्रेट पहुंच गए और जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा और संवैधानिक दायित्व निभाते हुए उचित निर्णय लेने की मांग की। ज्ञापन देने के दौरान एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव और सीओ कैंट सुमित शुक्ला भी मौजूद रहे। ज्ञापन देने के दौरान निवर्तमान महानगर अध्यक्ष जियाउल इस्लाम, अखिलेश यादव, अवधेश यादव, रजनीश यादव, विजय बहादुर यादव, रूपावती बेलदार, मनु रोजन यादव, मिर्जा कदीर बेग, जय प्रकाश यादव, मुन्नी लाल यादव, जितेंद्र सिंह, दूधनाथ मौर्य, अमित सिंह सैथवार, सिंहासन यादव, संजय पहलवान, कृष्ण कुमार त्रिपाठी, हाजी शकील अंसारी, प्रमोद यादव, राघवेंद्र तिवारी, राजू कीर्तिनिधि पांडे समेत काफी संख्या में नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। इस संबंध में गौरवपुन्नी से बात करते हुए सपा जिला अध्यक्ष नगीना प्रसाद साहनी ने कहा, महामहिम राज्यपाल राज्य में अनियमित अपराध के संबंध में महोदय उत्तर प्रदेश के में कानून व्यवस्था की स्थिति अत्यंत गंभीर। प्रदेश में संविधानिक मर्यादा का पालन होगा या नहीं, हमें आशा है कि आप अपने संविधानिक दायित्वों का निर्वहन करेंगे। हम हैं समाजवादी पार्टी के लोग, हम सर के पास थोड़ी प्रदर्शन नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूर्व कार्यक्रम के आधार पर आज 19 तारीख को हम लोगों को महामहिम राज्यपाल को जिलाधिकारी के माध्यम से पत्र भेजना था। आज इसी के क्रम में हम लोगों ने मांग किया है महामहिम राज्यपाल महोदय से कि सरकार को हर हाल में जनहित में इसको भंग करके निरस्त करने का काम करें, इसे समाप्त करने का काम करें।